नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जो है सुजुकी मोटर्स की तरफ से जो है कैंपस प्लेसमेंट लगाया जा रहा है, कहाँ पे जो है ये कैंपस प्लेसमेंट लगाया जा रहा है और उसके बाद जो है इसमें एज लिमिट क्या रहेगी, एज लिमिट के बाद जो है आपकी सैलरी, सैलरी के बाद जो है कौन कौन सी ट्रेड के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल रहेंगे, सारी डिटेल इस वीडियो में रहेगी। तो जो है पूरा आप वीडियो देखिएगा तभी आपको सारी जानकारी पता चल सकेंगी। जैसे आपको पता है कि इस चैनल पे जो है आईटीआई से रिलेटेड, रेलवे अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड हम सारी जानकारी देते हैं, तो एक बार जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में जितनी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट जो है वैकेंसी हैं उनके बारे में हम वीडियो डालते रहते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये नोटिस है जो कंपनी की तरफ से है और उसके बाद जो इसको मैं व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहाँ से जो है आप डाउनलोड कर सकेंगे। ये जो है कैंपस प्लेसमेंट आपको बता दें गवर्नमेंट आईटीआई कानपुर पांडो नगर में लगाया जा रहा है। कब लगाया जा रहा है? 10 मई 2024 को लगाया जा रहा है। तो यार जो है आप यूपी से हैं तो उत्तर प्रदेश से हैं तो आप जा सकते हैं इस कैंपस प्लेसमेंट में। ये जो है 10 मई को लगाया जा रहा है, तो 10 मई को आपको सुबह 9 बजे पहुंच जाना है, टाइम से पहुंच जाते हैं तो बेनिफिट आपको ही रहता है। सुजुकी मोटर्स यानी कि जो है गुजरात के प्लांट के लिए वैकेंसी है, या ऐसा नहीं है कि जो आपको बता दें, क्लियर कर दें, गुड़गांव मानेसर में जो है वो है मारुति सुजुकी और जो गुजरात में है वो है सुजुकी मोटर्स। ये एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से जो है 26 ये जो है आपकी एज होनी चाहिए। इसकी जो है सैलरी की बात करें तो 21,500 रुपये प्रतिमाह आपकी सैलरी रहने वाली है एफटीसी के कैंडिडेट की। और उसके बाद सेफ्टी सूज आपको मिलेगी। उसके बाद जो है बात करें तो कैंटीन फैसिलिटी के साथ जो है आपको ड्रेस वगैरह भी मिलेगी। अब एक चीज़ आपको क्लियर कर देते हैं कौन कौन सी ट्रेड के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल रहेंगे। तो फिटर हो गए, फिटर के बाद इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, और उसके बाद जो है इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, फिटर, ट्रैक्टर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, और उसके बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर, प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिट, ये जो है के जो कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल रहने वाले हैं। इसका जो है आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, फॉर्म की लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे या जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम में डाल देंगे, वहां से जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे क्लिक करके जो है आप क्या करिएगा, फॉर्म फिल कर दीजिएगा। इसमें जो है इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करें तो इम्पॉर्टेंट जो है डॉक्यूमेंट रिज्यूम आपके पास होना चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, और उसके बाद ITI मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, और उसके बाद जो आधार कार्ड, पैन कार्ड की फोटोकॉपी होनी चाहिए। आपके पास जो है ओरिजिनल प्लस 2 सेट इसकी फोटोकॉपी की होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज आपकी जो है फ़ोटो भी होनी चाहिए। ये जो फॉर्म अप्लाई का लिंक जो है आपको हम डाल देंगे, कहाँ डालेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम में जो है हम बता दें आपको, लगभग 1700 कैंडिडेट इसमें टेलीग्राम में, और उसके बाद 750 कैंडिडेट जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ चुके हैं। तो आप ऐसा करिएगा, आप जुड़ जाते हैं तो बेनिफिट ये होने वाला है कि जितने भी आगे मारुति सुजुकी की वैकेंसी आती है या जो है हीरो मोटोकॉर्प होंडा की गेट भर्ती, तो जो है आपके साथ हम शेयर करते रहते हैं। आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।